हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अच्छे से होंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। 2 बजे आज हमारा स्पेशल सेशन रहता है, आप सभी लोग जानते हैं इस बारे में। फ्राइडे हमारी ज़्यादातर जितनी क्लासेज आपको मिलेंगी यूट्यूब पर मिलेंगी, इसके अलावा वेडनेसडे जितनी क्लासेज मिलेंगी ना आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी। मगर इसके अलावा वेडनेसडे आपने देखा था, इस बार मैंने यूट्यूब पर भी 3 क्लासेज ली थी और एप्लीकेशन पर भी 3 क्लासेज ली थी। इसी प्रकार से आज बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रखा है मैंने, जैसे आपके साथ आज कट ऑफ के बारे में डिस्कस करना है, इसके अलावा ये वाली क्लास हो गई, इसके अलावा 8 बजे वाली क्लास हो गई, 9:15 बजे वाली क्लास हो गई, तो 4 तो ये इवेंट हो गए। इसके अलावा मैं एक दो वीडियोज़ और लेकर आना चाहूँगा आज आपके सामने, मतलब वो स्पेशल वीडियोज़ के माध्यम से आप देखना चाहेंगे कि देश और दुनिया में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हालात हैं। जैसे आप जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में, तालिबान के बारे में, उसी आधार पर एक और बहुत ही मानवतापूर्ण, मतलब ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग एक कार्य किया गया है एक महिला के द्वारा, एक फीमेल के द्वारा, जो कि एक ओलंपिक्स में पदक विजेता है। इसी बार उन्होंने एक मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। उन्होंने अपना मेडल ही बेच दिया, ठीक है ना, नीलाम कर दिया, मेडल नीलाम कर दिया उन्होंने। और उस मेडल को नीलाम करके उन्होंने 92 लाख रुपये जुटाए, 92 लाख। अब उस 92 लाख रुपये का क्या किया गया है ये मैं आपको बताऊँगा आज, एक मतलब 10 मिनट या 8 मिनट के आसपास की मैं एक वीडियो आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा जिसमें इन सब चीज़ों का जिक्र आपके सामने होगा, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को भी, आज शाम तक आपके सामने वो वीडियो आने की उम्मीद रहेगी। चलिए क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए भाई, सभी कहाँ पर हैं? सुशील कुमार योगी जी, दीपांशी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। राजा सिंह जी, गादी राणा जी, कल क्लास नहीं हुई सर जी, कल मेरा जन्मदिन था तो थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। बहुत ही सारी विशेज आई, मतलब इतने तो लाइव नहीं आते भाई, जितनी विशेज आ गई मतलब बहुत ही विशेज आई। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे को पता है भाई साहब, नाराज़गी के चलते हुए वो क्लासेस नहीं लेते और कई बार उनको क्लासेस मिल ही नहीं पाती हैं, मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा विशेज आई, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी विशेज आ गई फ़ोन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, इसके अलावा अन्य जो भी सोर्सेज उनको मिले ना विश करने के लिए, टेलीग्राम पर, तो हर जगह धुआंधार, मतलब बहुत विश करी गई। एक बार तो मैं भावुक भी हो गया था ये सोच के कि यार इतने सारे अभी भी हैं मौजूद। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्या करवाने वाला हूँ। देखिए आज इस क्लास में मैं आपको करवाऊँगा एंशियंट हिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल, जिन सवालों को आप ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूर देखेंगे। आप क्यों इन सवालों को करना चाहेंगे? तो देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे मान लीजिए CBT 2 होने वाला है, UP का एग्ज़ाम होने वाला है, SI का एग्ज़ाम है, अभी देख 2 दिन बाद मेरे ख्याल से SI का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, MTS का है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो हर एग्ज़ाम में ना कहीं हिस्ट्री के ये वाले सवाल इंपॉर्टेंट बनने हैं, इसीलिए इन सवालों को आज मैं टैकल करवाऊँगा आपकी इस 2 बजे वाली क्लास में। चलिए जी शुरू करते हैं क्लास, लेके प्रभु का नाम, क्योंकि समय बताने के लिए जी UP स्पेशल ही है, UP को ही टारगेट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस आज तक नहीं करवाए हैं, अगर आप जुड़े हैं मेरे साथ तो आज मैं वही करवा रहा हूँ कि एंशियंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चन करा दूँ, और एक नहीं 3 क्लासेस मैंने प्लान करी हैं। तो ये वाली हो जाएगी, एक 8 बजे वाली हो जाएगी, एक क्लास और आपने किसी ने मैसेज किया था स्टैटिक GK के लिए, तो स्टैटिक GK की क्लास कल 2 करवा देता हूँ, एक सुबह करवा देता हूँ 11 बजे, एक कल 1 बजे करवा देता हूँ, 2 क्लास कल स्टैटिक GK की करवा देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए जी, पारुल सतवाल जी बहुत बहुत स्वागत है, स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सभी लोग जानते हैं हमारा चैनल है Science 7, इसके अलावा ये टॉप एजुकेटर्स बैचेस रहेंगे, किसी को भी किसी बैच में एनरोल करना है तो आप जाइए अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे, SSC कैटेगरी में जाकर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे अमेजिंग अमेजिंग, किसी भी कोर्स में अगर आपको एनरोलमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट करनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एक कोड जो रहेगा CM10, ठीक है, ये कोड रहेगा, ये कोड आपको डिस्काउंट दिलवाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट दिलवा देगा ये कोड आपको। इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट है सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस प्रक्रिया को फॉलो करके पूरा का पूरा आप उस डाउट को सॉल्व करवा सकते हो अनअकैडमी डाउट सेक्शन के द्वारा। इसके अलावा ये है अगस्त ऑफर, यदि आपको इस महीने कोई भी कोर्स खरीदना है अगस्त के महीने में तो आप क्या करिए, आप बस जाइए अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे, SSC कैटेगरी में जाइए और वहाँ पर जाकर कोर्स एनरोल कर लीजिए, ये एडिशनल बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे, इतना एक्स्ट्रा आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे मंथ्स, ठीक है। इसके अलावा ये प्राइस आपको पे नहीं करना है, कितना पे करना है आपको तो इसमें आपको मिलेगा डिस्काउंट अगर आप यूज़ करेंगे मेरा कोड CM10,
अगर एक कोड आपने ये इस्तेमाल किया तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है सर, मैंने इकोनॉमिक्स भी बोला था, ठीक है जी, मैं इकोनॉमिक्स भी याद रखूँगा। इसके अलावा ये है अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट, संडे को करवाया जाएगा 22 तारीख को दोपहर 12 बजे। 40 सवालों के जवाब देने हैं 50 मिनट में, और बहुत अमेजिंग अमेजिंग प्राइजेस वहाँ आपको जीतने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ और कोर्सेज रहेंगे, SSC कैटेगरी के कोई भी कोर्स अगर आपको एनरोल करना है तो कुछ नहीं करना, ये कोड का इस्तेमाल करना है और बहुत ज़्यादा लाभ डिस्काउंट का फ़ायदा उठाना है। चलिए जी, ऑल सेट, सभी तैयार हैं, शुरू करें, अंताक्षरी नहीं शुरू करें क्लास। अनुभव पाल जी बहुत बहुत स्वागत है सर। हिस्ट्री भी जी, हिस्ट्री की करवा रहा हूँ अभी, एंशंट हिस्ट्री ही करवा रहा हूँ मैं। ठीक, अच्छा आपने अपने फ्रेंड से बैट लगाई है, 22 नहीं कम से कम 25 क्वेश्चन, 25 में से 25 ठीक करके आओगे MTS में। अरे MTS का एग्ज़ाम है बच्चा, UPSC का एग्ज़ाम नहीं है, MTS का एग्ज़ाम है। इतना श्योरली बोल रहा हूँ ना, अगर हो जाएगा काम तो बेफिक्र रहिए, 25 में से 25 ठीक करवा दूंगा मैं, आप बेफिक्र रहिए। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन टू बी एग्जीक्यूटिव अर्ली इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मतलब है 19वीं की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था जिसकी खुदाई 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में की गई थी। सवाल ध्यान से पढ़िए, एग्ज़ाम अपना टारगेट करिए। सर लोअर सबऑर्डिनेट UP एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होगा मैम, मोर देन सफिशेंट होगा। आप एक बार खुद सवाल को पढ़कर देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि सवाल रेलिवेंट है या नहीं है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, आपने दो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो दो सबसे पहले खुदाई में प्राप्त साइट्स थी ना, उनका नाम आपको क्या मिलेगा? एक तो आपको मिल जाएगी मोहनजोदाड़ो, एक आपको मिल जाएगी हड़प्पा। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, बस आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, शांति से पढ़ना। हड़प्पा की खोज कब हुई थी और मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई, मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई, एक सवाल आपके सामने ये बन जाएगा। एक सवाल मैं आपसे ये और पूछना चाहूँगा, खोज किसके द्वारा करी गई थी, मतलब ये जो साइट्स हैं इनकी खोज किस किसके द्वारा करी गई। चलिए, खोज किसके द्वारा करी गई, ये सवाल आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिए। एक नहीं, आपकी स्क्रीन पर तीन सवाल हैं, तीन में से एक सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा, बाकी बचे हुए दो सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। जितना अभी तक आपने PET में पढ़ा है, PET में बताइए कितने नंबर की, अगर मान लीजिए 50 नंबर की आ रही है ना, तो आप लगभग देखिए जितना आपने पढ़ा है ना उस हिसाब से UPGK को भी आपको टैकल करना पड़ेगा। अगर आपने वो भी टैकल कर लिया तो मैं मेरे अपनी सेल्फ जो मैंने आपको पढ़ाया ना उस अंदाज़ा में बता सकता हूँ, आप 23 नंबर स्कोर कर लेंगे जितना मेरा कंटेंट आपने पढ़ा है, 23। ठीक, जितना मेरा कंटेंट आपने पढ़ा है उस आधार पे आप 23 के आसपास नंबर स्कोर कर देंगे। आप जवाब क्या दे रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहले एग्जीक्यूट करी हुई या फिर एक्सक्वेटेड करी गई साइट कौन सी है, मतलब खुदाई में प्राप्त हुई साइट कौन सी है, तो आप जवाब देंगे हड़प्पा वॉज द फर्स्ट इंडस सिविलाइजेशन टू बी एग्जीक्यूटेड अर्ली इन द 20th सेंचुरी। इट वॉज इन द पंजाब प्रोविजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये आप कहाँ मिलेगा, ये वाला क्षेत्र आपको नजर आएगा पाकिस्तान में, ध्यान रखना। अब ये वाला क्षेत्र कहाँ नजर आएगा आपको, ये वाला क्षेत्र आपको पाकिस्तान में नजर आएगा, बस ईयर बता दीजिए कौन से ईयर में इसे एक्सक्वेटेड किया गया, 1921 में या 1922 में। चलिए, कब इसको खोदा गया, क्या रहेगा सवाल का जवाब, डी आप बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1921 दयाराम सहनी के द्वारा। एक मिलेंगे आपको रखलदास बनर्जी, जो मिलेंगे 1922 में रखलदास बनर्जी मिल जाएंगे, ठीक है, और दयाराम सहनी आपको मिल जाएंगे 1921 में। ध्यान रखिएगा, दयाराम सहनी आपको कब मिल जाएंगे, 1921 में। या तो इसमें से एक सवाल तो 100% आना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मतलब एंशियंट हिस्ट्री जितनी आप देख रहे हैं ना उसमें से मैं उम्मीद करूंगा कि केवल आज की क्लास में 4 के आसपास सवाल एक शिफ्ट में टकराने वाले हैं। मतलब जितने क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे ना, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं निकाले एंशियंट हिस्ट्री से, 100 क्वेश्चन निकाले हैं, दो क्लास कराऊंगा, आज ही करा दूंगा, 100 के 100 क्वेश्चनों की दो क्लास, ठीक है, तो 100 में से 50 अभी कराऊंगा, 50 बाद में कराऊंगा, मगर एक्सप्लेन करके। सवाल का जवाब आपने देख लिया, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ दयाराम सहनी हो जाएंगे या RD बनर्जी हो जाएंगे, रखलदास बनर्जी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडस साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ हॉर्सेज हैव बीन एक्चुअली फाउंडेड या फिर फाउंड, वैसे फाउंडेड होना चाहिए यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस की बात कर रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र सिंधु स्थल है जहाँ वास्तव में घोड़ों के अवशेष पाए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा, वास्तव में घोड़ों के अवशेष पाए गए हैं वो कौन सी जगह है, प्रैक्टिस सेट में
30 प्लस हो रहे हैं सर जीके में, कितने नंबर की आ रही है जीके, 50 की आ रही है क्या, 50 की आ रही है क्या? अगर 50 की आ रही है और आप बोल रहे हैं 30 प्लस आप स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपको कम से कम 38 तक जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर 50 की आ रही है तो आपको कम से कम 38 तक जाना पड़ेगा, 38 नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा जीके वाले सेक्शन में। और देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे ना मेरी सिक्स सेंस क्या कह रही है, तो मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि वो पेपर बेसिक बनाएगा, वो पेपर बेसिक बनाएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि कई बार आप बच्चे पूछते हैं कि सर आपकी सिक्स सेंस क्या कह रही है, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि पेपर बेसिक बनाएगा वो, मगर ज़बरदस्त बनाएगा। पेपर बेसिक बनाएगा मगर ज़बरदस्त बनाएगा पेपर, ठीक है ना? मतलब वही खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात ज़रूर होगी, मगर वो चूहा ऐसा होगा जो खोद डालेगा ज़मीन को दोबारा से, ठीक है? इस प्रकार का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जितना मेरा अंदाज़ा कहता है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का सवाल का जवाब गलत भी है, बहुत सारे का सवाल का जवाब सही भी है। एज इट इज़ सवाल आएगा एग्ज़ाम में, सेम लैंग्वेज पे आएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। चंदू हारू, सुरका कोटा, देमबाद या फिर लोथल, सवाल का जवाब है सुरका कोटा, ठीक है जी? सुरको टाड़ा रहेगा सवाल का जवाब, सुरको टाड़ा रहेगा सवाल का जवाब। ये सुरको टाड़ा कहाँ पर है? ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, कहाँ पर में? रापर तालुका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ पर आपको मिलेगा, इज आ आर्कियोलॉजिकल साइट, कहाँ पर मिलेगा? रापर तालुका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपको ये नज़र आएगा, लिख लीजिए एक बार, रापर तालुका, रापर तालुका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपको ये नज़र आएगा। कहाँ पर नज़र आएगा? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपको ये नज़र आएगा, रापर तालुका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपको ये नज़र आएगा, ठीक है जी? इंडिया बिलोंग्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एकमात्र मतलब साइट वेयर रिमेन्स हॉर्स हैव बीन फाउंडेड, यहाँ पर एकमात्र साइट ऐसी देखी गई है जहाँ पे घोड़ों के अवशेष देखे गए हैं, हॉर्सेस के अवशेष देखे गए हैं। बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, रापर तालुका भी कर लीजिए, कच्छ डिस्ट्रिक्ट भी कर लीजिए, और साइट का नाम भी कर लीजिए, सुरको टाड़ा रहेगा सवाल का जवाब। क्लियर? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से अमेजिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्टिक डिस्कवर्ड द हरप्पा साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वही सवाल वो पूछ रहा है जो मैंने आपको पढ़ाया इससे पहले। वो बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्वी ने सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज की थी? ऑप्शन है एस आर राव, दयाराम सहनी, आर एस बिश्त या फिर जेपी जोशी। चलिए, या फिर जेपी जोशी। किसके द्वारा इस साइट की घोषणा की गई थी? 50 ही है, ठीक है, 50 है तो 38 नंबर तक अगर आप जाओगे तो आपके बहुत ब्राइट चांसेस रहेंगे। अगर 50 नंबर के आसपास तक अगर आप नहीं गए तो फिर भाई साहब थोड़े से दिक्कत रहेगी, ठीक है ना? पंजाब पाकिस्तान वाले प्रोविजन से ये लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थल रहेगा, कौन सी नदी के पास रहेगा? रिवर रहेगी रावी। इसकी खोज कब करी गई? 1921 से लेकर 1923 के बीच में इसकी खोज करी गई थी। किस नदी के पास ये साइट मिलेगी? साइट मिलेगी रावी रिवर के पास। रिवर का नाम भी याद रखना भाई, कौन सी रिवर के पास ये साइट मिलेगी? रावी रिवर के साइड ये मिलेगी पास। क्या रहेगा सवाल का जवाब? सवाल का जवाब रहेगा दयाराम सहनी। दो व्यक्ति मिलेंगे, एक दयाराम सहनी मिलेंगे, एक रखलदास बैनर्जी मिलेंगे, आरडी बैनर्जी मिलेंगे। इन्होंने हड़प्पा की खोज करी है, उन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज करी है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेफ स्कोर कितना रहेगा अगर आप टोटल की बात करें? कितने का है? 200 का है क्या? 200 का है क्या एग्ज़ाम, बताइए एक बार। अगर 200 का स्कोर अगर एग्ज़ाम है तो लगभग सेफ स्कोर रहेगा 123 सेफ स्कोर रहेगा, 123 सेफ रहेगा अगर 200 का है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन विद नो सिटाडेल। वो बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां कोई गढ़ नहीं है, जहां पर कोई गढ़ नहीं है? ऑप्शन है चंदूहारो, कालीबंगा, बनावली या मोहनजोदाड़ो। देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूंगा कि अब है आपका एग्ज़ाम और मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल आपको एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित सवालों को टैकल करवा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन विद नो सिटाडेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु सभ्यता एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ कोई गढ़ मौजूद नहीं है, जहाँ कोई भी गढ़ नहीं है, ठीक, जहाँ कोई गढ़ नहीं है। सवाल को पढ़िए, एज इट इज लैंग्वेज को फोकस कीजिए, वो अंदर से आता है ना, जैसे तुम्हें जिसको तुमने पहली बार देखा होगा उसको देखकर लगा होगा नहीं यही राइट चॉइस है, मतलब मेरा जीवन यही बेहतर कर सकती है या कर सकता है, लगता है ऐसी इंट्यूशन होती है, उसी इंट्यूशन को ना क्वेश्चन में लेकर आओ एक बार। तो इस सवाल को पढ़कर देखो क्या लगता है, ये हर कोई पढ़ के आएगा ये सवाल, हर कोई पढ़ के आएगा? अगर नहीं लगता हर कोई पढ़ के जाएगा तो तुम तो ज़रूर पढ़ के जाओ इस सवाल को, ठीक है? सर CHSL में सेफ स्कोर कितना रहेगा? अगर आप
जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम 149 के आसपास, ठीक है, कम से कम 149 के आसपास रहेगा सेफ स्कोर। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है चंदू हारो। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है चंदू हारो। जिसको नहीं आता परेशान मत होना, केवल 100 क्वेश्चन मेरे याद कर लीजिए, आपको जीवन में कभी एंशियंट हिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी। चंदू हारो इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट, बिलोंग्स टू अ अर्बन जुकर फेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा 130 किलोमीटर साउथ में मोहन जोदाड़ो के, इन सिंध पाकिस्तान, मतलब मोहन जोदाड़ो से 130 किलोमीटर साउथ में मिलेगा आपको ये, सिंध पाकिस्तान में। ये जो जगह है कहाँ मिलेगी? 130 किलोमीटर साउथ सिंध पाकिस्तान में मिलेगा। ये एकमात्र साइट है इंडस साइट में जिसमें कोई भी सिटाडेल नहीं था, कोई भी गढ़ मौजूद नहीं था। सवाल का जवाब है चंदू हारो। क्लियर सर? पीईटी 100 नंबर का है, अगर पीईटी आपका 100 नंबर का है तो सेफ स्कोर जानोगे, सेफ स्कोर 53 के आसपास, 53 से लेकर 63, ऐसे लगा देता हूँ अंदाज़ा, 53 से लेकर 63 के आसपास सेफ स्कोर आपका रहेगा। ये आपका सेफ स्कोर है, ठीक। इतना अगर आपने स्कोर कर दिया तो आप मान के चलिए डन डना डन डन है। एविडेंस ऑफ द बोथ प्री हरप्पन एंड हरप्पन कल्चर एंड बार्ले विद गुड क्वालिटी हैज़ बीन एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस साइट। ध्यान से पढ़ना, घबराना मत, शांति से पढ़ना सवाल को, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति और अच्छी गुणवत्ता वाले जौ दानों के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस सिंधु स्थल पर मिले हैं? धोलावीरा, हड़प्पा, बनावली या फिर दमबाद? क्या रहेगा सवाल का जवाब? चलिए भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। देखिए थोड़े मुश्किल ज़रूर होते हैं भाई मेरे क्वेश्चन, मगर एग्ज़ाम वाले होते हैं, ठीक है ना। मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ाता हूँ, मैं अपने लिए नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा पूरा टारगेट रहता है कि भाई साहब एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाया जाए, अपने लिए ना पढ़ाया जाए, कि मैं वही तुम्हें पढ़ा दूँ। आज भी रखल दास बैनर्जी, तो भाई कब तक रखल दास बैनर्जी को ही टैकल करवाता रहूँगा, कब तक उस सवाल से ऊपर जाऊँगा ही नहीं। वो सीधा सा सवाल पूछ रहा है कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पे एविडेंस मिले किसके, बारले के, मतलब गेहूँ के, अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूँ के कहाँ पर अवशेष मिले हैं? धोलावीरा में मिले, हड़प्पा में मिले, बनावली में मिले, या फिर ये दैमबाद नामक स्थान जो रहेगा वहाँ पर मिले? ये कहाँ पर मिलेगा? अगर बात करें इस सवाल के जवाब की, जो जवाब रहेगा ये वैली, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ये साइट है वो मिलेगी आपको फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। इंडिया एविडेंस ऑफ द बोथ प्री हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन कल्चर की, अगर प्री हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर दोनों ही में यहाँ पर क्या मिला है? बेयर बारले मिले हैं गुड क्वालिटी इसके, और बारले को हिंदी में क्या कहेंगे? जौ कहेंगे। जौ के दाने आप समझते होंगे क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अपने गाँवों से भी बिलीव करते हैं, मतलब विलेज से भी आते हैं। सवाल का जवाब सभी का गलत है लाइन से, बहुत बढ़िया। यही मैं चाहता हूँ कि यहाँ गलत हो वहाँ गलत ना हो। सवाल का जवाब है बनावली। सवाल का जवाब है बनावली। बनावली आपको कहाँ मिलेगा? फतेहाबाद में मिलेगा, फतेहाबाद में मिलेगा। और ये फतेहाबाद आपको कहाँ मिलेगा? ये फतेहाबाद आपको मिलेगा हरियाणा में। कैसा लगा भाई सवाल? वैसे मैं समझ रहा हूँ मुश्किल ही लग रहे हैं तुम्हें, क्योंकि तुम पढ़ना ही इजी जाते हो, उसमें तो देखो भाई कोई कुछ कर ही नहीं सकता, उसमें तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप पूरी ज़िंदगी इजी पढ़ना चाहते हैं, आप पूरी ज़िंदगी इजी पढ़िए, उसमें मेरे हाथ में नहीं है वो सब चीज़ें। क्लियर? सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है बनावली। ध्यान रखना सवाल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चांसेस हैं एग्ज़ाम में डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाए। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स? हिंदी में पढ़िए सवाल शांति से। निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया है? चलिए भाई, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। ये सवाल देखिए, अगर मैं इतनी श्योरिटी से बोल रहा हूँ ना कोई चीज़ कि ये वो सवाल है कि आप बस केवल 100 पढ़ लीजिए एंशियंट हिस्ट्री से, केवल आप ये 100 पढ़ लीजिए, उसके बाद मत पढ़िए कुछ एंशियंट हिस्ट्री से, यही आएंगे सवाल एग्ज़ाम में। ये सवाल हैं, वो इंट्यूशन आती है ना कि इट इज़ अ राइट चॉइस, ये सही चॉइस है। धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो, सुरकाकोटा या फिर लोथल, क्या रहेगा सवाल का जवाब? चलिए भाई बी, अब ऐसे टिक करेंगे, कह रहा बी लग रहा है, मोहनजोदाड़ो ए लग रहा है, सी लग रहा है, डी लग रहा है। चलिए भाई देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी, और यार ग्रुपों में शेयर कर दो एक बार क्लास अपने अपने। ऐसे तो लग गई भाई साहब नौकरी, मुझे तो समझ नहीं आता कैसे तुम्हारी नौकरियां लगेंगी, जो पढ़ के राजी नहीं है, जो ये क्वेश्चन को मजाक में ले रहा है, कह रहा हलवा है ये तो, कह रहा ये तो डेली रात को बन रहा है घर में, कह रहा दाल के साथ चावल में भिगो के खा जाऊँ ये तो, सैलड भी ना लूँ साथ में, कह रहा केवल दाल, कह रहा दाल भी पानी वाली दाल है ये तो,
अबे ये पानी वाली दाल नहीं है, ये वो वाली दाल फ्राई जिसमें बेहतरीन मसालों की छिड़काव लगा हुआ है, जिसमें बेहतरीन मसाले, जिसकी खुशबू 20 किलोमीटर दूर तक फैलती है, ये वो सवाल है। चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब? सवाल का जवाब है धोलावीरा। इस सवाल का जवाब इजीली आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना ही विद्यार्थी दे पाएगा। जब विद्यार्थी नहीं दे पाएगा तो एग्जाम में आएगा। धोलावीरा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट एट कदीर बेट नामक एक जगह है। कदीर बेट नामक एक जगह है, नाम लिख लीजिए साइट का। कदीर बेट नामक एक जगह है, ये जो साइट है धोलावीरा जो साइट है, कदीर बेट नामक एक जगह है बचाऊ तालुका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? ये बचाऊ का नाम तो सुना होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी सुना होगा तुमने। बचाऊ तालुका कच्छ गुजरात में मौजूद है ये। कच्छ गुजरात में मौजूद ये साइट आपको मिल जाएगी, धोलावीरा साइट जो मिल जाएगी। इन साइट ये किस में डिवाइड हो रखी है? इन साइट ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात के वेस्टर्न एरिया में मिल जाएगी। ये एकमात्र साइट है जो 3 भागों में बटी हुई है, ध्यान रखिएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल का जवाब है धोलावीरा कहाँ पर मौजूद है? ये कदीर बेट नामक बचाऊ तालुका में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एक जगह है गुजरात के वेस्टर्न क्षेत्र में, वहाँ पर आपको ये नज़र आ जाएगा। क्लियर जी? समझ आ गया? सर आपने बर्थडे की पार्टी कहाँ पर की थी? वैसे तो यहीं करी थी, पास में दिल्ली में थी। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से वो कौन सी धातु है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्ञात नहीं थे जिसके बारे में? चलिए भाई, वो कौन सी धातु है जिसके बारे में यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उससे रूबरू नहीं थे? चलिए भाई जवाब दीजिए। देखिए मेरा ना, मतलब मेरी ना इंट्यूशन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को इंट्यूशन होती है, मतलब जैसे हल्की फुल्की ना इंट्यूशन हो जाती है, तो मेरी इंट्यूशन तो ये कह रही है पेपर इजी आने वाला है, मगर मुझे लगता है इजी ऐसा आने वाला है जो आपको आता नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें नहीं आता होगा, मतलब जो तैयारी कर रहा है ना उसे नहीं आता होगा। ठीक है, पेपर इजी आने वाला है, मगर इजी वो ऐसा पूछेगा जो आता नहीं होगा। तो बिल्कुल 4 दिन है तुम्हारे पास, कंक्लूड कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए चीज़ों को और फिर जवाब दीजिए। क्या रहेगा सवाल का जवाब? कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर या फिर आयरन? जवाब दीजिए भाई, बहुत बेसिक सवाल है। हाँ यही बेसिक सवाल है बिल्कुल। द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वो जानते थे यूज़ करना कॉपर का, ब्रॉन्ज का यूज़ करना जानते थे, सिल्वर का जानते थे, गोल्ड का भी जानते थे, बट वो नहीं जानते थे आयरन का इस्तेमाल करना, लोहे का, मतलब वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उसके बारे में ज्ञात नहीं थे? वो कॉपर जानते थे, ब्रॉन्ज जानते थे, सिल्वर जानते थे, गोल्ड भी जानते थे। भाई साहब गोल्ड भी लिख लेना जरूर, ठीक है, गोल्ड के बारे में भी जानते थे, मगर वो आयरन से, मतलब लोहे से रूबरू नहीं थे, ध्यान रखना सवाल एग्जाम के लिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है चलिए जी आगे चलते हैं। दाल में और तड़का लगाते हुए, तड़के की महक दूरों दूरों तक फैलाते हुए जाएंगे, कंफ्यूजिंग एग्जाम आएगा थोड़ा बहुत, मतलब फर्स्ट टाइम पीईटी कंडक्ट कर रहा है ना इसीलिए इतनी अच्छी प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, मगर हाँ मैं 100% छोड़ूँ बेसिक, मतलब बेसिक ऐसा कि भाई साहब धुएं गाड़ देगा वो वाला बेसिक। देखिए स्टोन ऑफ डांसिंग नटराज, ये सवाल एग्जाम में ज़रूर आएगा, मेरी मतलब सिक्स सेंस कहती है ये सवाल एग्जाम में ज़रूर आएगा, देख लीजिए पढ़ लीजिए। स्टोन डांसिंग नटराज एंड सिमेंट्री 37 हैव बीन एग्जीक्यूटेड एक्सकेवेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट? ठीक है जी, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर पत्थर नृत्य नटराज और कब्रिस्तान 37 की खुदाई की गई थी? ये सिमेट्री का मतलब आप समझ गए होंगे, कब्रिस्तान की बात कर रहा है वो। क्या है सवाल का जवाब? मोहनजोदाड़ो, लोथल, हड़प्पा या फिर बनावली? चलिए भाई ध्यान से लिख कर रखना, तुम्हारी लास्ट मोमेंट वाला काम हो रहा है ये। क्या रहेगा सवाल का जवाब? ये बेसिक है सर। मैम मेरी रजत से बात हुई थी कल, तो उसने बोला था कि सर मैं ठीक हूँ, मगर जो टेस्ट बोला गया है ना मुझे, वो टेस्ट उत्तराखंड में नहीं होगा, यूके में नहीं होगा, तो वो बनारस जाएगा जहाँ पे उसका पहले ट्रीटमेंट हुआ था ना, वहाँ पे हॉस्पिटल है उस पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, तो वहीं पर वो हॉस्पिटल है, बनारस में उसका इलाज हुआ था, ट्रीटमेंट हुआ था पहले, तो वहीं पर वो जाएगा और वहीं पर आगे की प्रक्रिया जो है वो फॉलो की जाएगी, प्रोसेस फॉलो की जाएगी, मगर हाँ वो ठीक है, अभी वो ठीक है, मेरी बात उससे होती रहती है। चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही पड़ेगा, ये भी सवाल का जवाब रहेगा। मोहनजोदाड़ो बोल रहे हैं क्या? मोहनजोदाड़ो डी ए ही बोल रहे हैं क्या सारे? चलिए मतलब मिला ही नहीं है सवाल का जवाब। 8वें क्वेश्चन का सवाल है, सवाल का जवाब हड़प्पा है, ऑप्शन नंबर सी है भाई।
सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब हड़प्पा है सर। वो डांसिंग गर्ल की बात नहीं कर रहा। डांसिंग गर्ल का स्टैचू कहाँ मिला था? चलो तुम यही बताओ, वो जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था ब्रॉन्ज का, वो कहाँ मिला था? डांसिंग गर्ल का स्टैचू यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है। सवाल तो देख लीजिए क्या लिखा है। नटराज का, जो नटराज का, नटराज भगवान है ना, जो डांसिंग के देवता के रूप में जाने जाते हैं, उनका जो स्टैचू मिला था और जो कब्रिस्तान 37 के नाम से एक जगह मिली, स्थल मिला, वो कहाँ कहाँ पर मिला था? सवाल यहाँ पर ये यह था। तो सवाल का जवाब था हड़प्पा में। अब आप मुझे बता दीजिए वो डांसिंग गर्ल कहाँ मिली, ठीक है? और प्लीज़ मैं दिल से बोल रहा हूँ, मेरी मतलब सेंसेस जो है ना बहुत तबड़े से बोल रही हैं कि ये सवाल एग्ज़ाम में आएगा। और यहीं से मतलब वो ये वही 100 क्वेश्चन है जिसमें से हिस्ट्री आने वाली है, वो एंशियंट पूछने के चांसेस रहेगा। अगर वो फंसाना चाहेगा तो एंशियंट ही पूछेगा, ठीक? हर पेपर में 2 भी पूछ गया, 3 भी पूछ गया तो बहुत बड़ी बात होगी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स लोकेटेड इन अ गुजरात वॉज एन एंशियंट पोर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे ये सवाल बच्चा बच्चा जानता है, गुजरात में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह था, जिसे अभी मरीन मरीन पार्क में तब्दील करने की बात की गई है? मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था ये वाला सवाल, ठीक? ये सवाल मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था कि इसे मरीन में कन्वर्ट करने की बात की गई है। और प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए भाई फटाफट से। अरे तुम्हारे दुनिया जान के तुमने ग्रुप बना रखे हैं यार, डाल दिया करो ग्रुपों में। मैं बच्चा तो मुश्किल देख के नहीं आता, कई बार मुझे लगता है कह रहा मुश्किल पढ़ा रहे हैं, कह रहा ये नहीं आएगा। कई बार मुझे अपने ऊपर दुख होता है भाई कि क्यों ना आसान पढ़ाना शुरू कर दें। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। सर थ्योरी क्लास किस चैनल पर होती है आपकी? श्वेता जी यहीं पर होती है, रात 9:15 बजे, रात 9:15 बजे। वहाँ पर पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ अभी, इंडियन पॉलिटी के बारे में। 11 से 12 क्लासेस मैं करा चुका हूँ, आप देख लेना आज क्लास। सवाल का जवाब लोथल है, इसका जवाब तो कोई भी दे देगा, बहुत बेसिक सवाल है, मगर इसे कन्वर्ट करने की बात करी गई है, बात हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है ना? फाइनलाइज कर दिया गया है, डेंडर वेंडर जो भी है छूट गया है, तो आगे अब काम चल रहा है इसके ऊपर, ठीक? सवाल का जवाब लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु लोग दुनिया में कपास का उत्पादन करने वाली पहले व्यक्ति थे, ठीक है? गाय और शेर सिंधु लोगों के लिए जाने जाते थे। मुख्य पुरुष देवता पशुपति महादेव थे। कुबड़ रहित बैल और प्रतिनिधित्व अधिकांशिक सिंधु महारों में किया जाता था। चलिए भाई इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। सबसे पहले कॉटन को इन्होंने प्रोड्यूस किया। काओ एंड लॉन, मतलब जो काओ और शेर थे उनको ये जानते थे, उनसे ये रूबरू थे, ठीक है जी? चीफ मेड डाइटी वॉज द पशुपति महादेव, जो इनके भगवान थे पुरुषों के, वो पशुपति महादेव रहेंगे। हम्पलेस बुल इज रिप्रेजेंटेटेड इन द मोस्ट इंडस सील, जो सील प्राप्त हुई है ना उस पे बुल का सिंबल बना हुआ था। सवाल ये है, चलिए भाई 10वें नंबर का सवाल है। 10 में से किसके कितने ठीक है एक बार जरूर कंक्लूड कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, लिखा है ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? ये मत बता देना कि सारी ठीक है, सारी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? सवाल यहां पर ये है, ठीक? वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बी, बहुत बढ़िया। अगर सवाल को हम ध्यान से पढ़े ना तो वो बोलेगा ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, जितनी स्टेटमेंट लिखी है ना वो ट्रू है एक्सेप्ट बी। बी को छोड़कर सभी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि एनिमल्स लाइक बफेलो, शीप्स, पिग्स एंड बुल वॉर, मतलब इनके बारे में भी वो जानते थे, ठीक है ना? किस किस को वो जानते थे? वो बफेलो को जानते थे भाई, वो बफेलो को जानते थे, वो शीप को जानते थे, वो पिग्स को जानते थे, शीप्स को जानते थे, वो पिग से भी रूबरू थे। इसके अलावा वो जो बुल हुआ करते थे, वो भारी भरकम जो सांड हुआ करते थे, वो उनसे भी रूबरू थे। तो जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट गलत है, बाकी तीनों पॉइंट सही हैं। ये सवाल इस प्रकार के एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, ठीक? ऑप्शन नंबर बी है सवाल का जवाब, ठीक? ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो तीनों स्टेटमेंट्स मौजूद हैं वो सही हैं। ध्यान से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, एज इट इज पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है जिसे मानवता की प्रथम वसीयतनामा कहा जाता है? वसीयतनामा कहा जाता है, चलिए भाई वसीयतनामा कौन सा है तुम्हारा?
क्या रहेगा सवाल का जवाब? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा? बहुत बेसिक सवाल है। अब आपने देखा होगा कि दोबारा से लेवल बदल गया है क्वेश्चन होगा, मतलब अब अलग प्रकार के आपको नज़र आएंगे यहाँ पे सवाल। ऑप्शन है सामावेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। अब वेदों से संबंधित सवाल आप देखेंगे क्योंकि आप एंशियंट हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। जो भी है इसमें से उसे कंपोज किया गया था 1700 बीसी में, 1700 बीसी में, ठीक है जी। क्या रहेगा सवाल का जवाब? सबसे पुराना डॉक्यूमेंट, दस्तावेज या फिर वसीयतनामा जो बोल रहा है वो कौन सा नज़र आएगा आपको? ऋग्वेद नज़र आएगा। ध्यान रखना सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक सवाल है, मगर लैंग्वेज में कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो हिंदी वाली ना समझ आए तो इंग्लिश वाली, इंग्लिश वाली ना समझ आए तो हिंदी वाली लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद द फेमस दस राजन वॉर वॉज फाउट ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर? ऋग्वेद के अनुसार प्रसिद्ध दस राजन युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर या फिर तट पर लड़ा गया था? चलिए भाई जवाब दीजिए, किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? द बैटल ऑफ द टेन किंग्स, द बैटल ऑफ द टेन किंग्स के नाम से भी जाना जाएगा, बैटल अलाउड इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में इसके बारे में जिक्र है। द एंशियंट इंडियंस केयर्ड कलेक्शन ऑफ वैदिक संस्कृत हाइमंस मिलेंगे इसमें। द बैटल टुक प्लेस ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेन ऋग्वेद पीरियड नियर द, कौन सी नदी के किनारे पर लड़ा गया था? सतलुज नदी, झेलम नदी, पारुष्णी रिवर या फिर इंडस नदी? चलिए, बहुत सारे बच्चे सवाल का जवाब सही देंगे। रियल एग्जाम में और मॉक टेस्ट में क्या अंतर होता है? वहाँ प्रेशर फील करना होता है केवल, वहाँ केवल प्रेशर फील करना होता है आपको कि क्या इतना प्रेशर आप फील कर पाएंगे, क्योंकि घर में जब बैठे होते हैं ना तो अलग पड़ जाती है चीज़ें। ये जो परुष्णी नदी यहाँ पर लिखी गई है मौजूदा समय में, इसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। सवाल का जवाब है रावी नदी, जो दस राजन बैटल, जो द बैटल ऑफ टेन किंग्स के नाम से भी जाना जाता है, वो पारुष्णी नदी के किनारे पर लड़ा गया था, बैटल ऑफ द टेन किंग्स, ये पारुष्णी नदी के किनारे पर लड़ा गया था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी पारुष्णी नदी को हम आज रावी नदी के नाम से भी, रावी रिवर के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में यही सवाल पूछ लिया जाए कि पारुष्णी नदी को मौजूदा समय में किस नदी के नाम से जानते हैं, तो आप जवाब देंगे रावी नदी के नाम से जानते हैं, रावी रिवर के नाम से आज इसे हम मौजूदा समय में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द वेदास एंड देयर रैकेटर्स इज करेक्टली मैच? वो बोल रहा है निम्नलिखित में से वेदों और उनके पाठों का कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? चलिए भाई, ऋग्वेदा, उद्गात्री, यजुर्वेदा, अधर व्यास, सामवेदा, होत्री। चलिए भाई, निम्नलिखित में से वो कौन सा है जिन वेदों के उनके पाठों का कौन सा सही संयोजन सुमेलित है, ठीक से जो मैच है? क्या रहेगा सवाल का जवाब? निम्नलिखित में से कौन सा ठीक से मैच है? ओनली वन मैच है, ओनली टू मैच है, ऑन सी मतलब बोथ वन एंड थ्री या फिर बोथ टू एंड थ्री? बताइए भाई, निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो ठीक से मैच है? क्या रहेगा सवाल का जवाब? इतना क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का लेवल? अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अच्छा जा रहे हैं, अगर आप इसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब कहीं ना कहीं मानवता पे जुल्म ढाने वाली बात कर रहे हो तुम लोग, ठीक है? मेरे को पता है जवाब दोगे नहीं, मैं जानता हूँ, समझ गया, तुम जवाब दोगे नहीं। सवाल का जवाब है ओनली बी। वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, मतलब पाठकों से सही तरीके से मैच है। तो देखिए, जो यजुर्वेद है ना उसको अधर व्यास के साथ मैच किया गया है, अधर्व्यू के साथ मैच किया गया, वो बिल्कुल ठीक है। अब सवाल आता है ये ऋग्वेद को किससे मैच किया जाएगा, तो मैच कर दीजिए भाई, एक ऋग्वेद को लिख लेना किताब में ही, अपनी कॉपी में, ऋग्वेद को हम मैच करेंगे होत्री से, ऐसे लिख लेना प्लीज़, सवाल एग्जाम में आ जाए शायद। ऋग्वेद को होत्री से मैच कर दीजिए, उसके अलावा सामवेद को मैच कर दीजिए किसके साथ? सामवेद को ये उद्गत्री के साथ मैच कर दीजिए, मतलब उल्टा हो रखा था ये, सामवेद को मैच कर दीजिए उद्गत्री के साथ, ऋग्वेद को होत्री के साथ, और यजुर्वेद को मैच कर दीजिए इसके साथ, ये हो रखा है मैच ऑलरेडी, ठीक है ना? तो सामवेद आपने देख लिया, ऋग्वेद आपने देख लिया, यजुर्वेद आपने देख लिया, याद रखना मैंने तीनों को मैच कर दिया, इसको उठाकर यहाँ रख देना है और इसको उठाकर यहाँ रख देना है, उसके बाद ये तीनों ठीक क्रम में लग जाएंगे, ठीक है जी। बहुत बहुत स्वागत है डीके जी आपका क्लास में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन्स द चार्म्स एंड स्पेल्स टू वर्ड ऑफ एविल्स एंड डिजीज? निम्नलिखित में से किस वेद में बुराइयों और रोगों को दूर करने के लिए मंत्र और मंत्र दिए गए हैं? बताइए भाई,
बीमारियों को दूर करने के लिए और बुराइयों को दूर करने के लिए जो मंत्र दिए गए हैं वो किस वेद में दिए गए हैं? सवाल यहाँ पर ये है, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? 50 ऐसे अमेजिंग क्वेश्चन है भाई साहब एंशियंट हिस्ट्री के, जो तुम मतलब ये जो 50 में से देखो 14 यूं हैं अभी, तुम खुद समझ सकते हो कि नहीं क्वेश्चन का लेवल है। अब मैं यूं नहीं करूँ ले ये रहा जवाब हो गया टिक आगे बढ़ा, अरे भैया नहीं होगा, थोड़ा समझाना ज़रूरी है यार। ठीक, चलिए जी अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये तो बेसिक सवाल है, इसका जवाब आप दे पाएंगे। कौन सा वेद रहेगा? द अथर्वेद। द अथर्वेद इज नॉलेज स्टोर हाउस। अथर्वेद को और किस नाम से जाना गया है? तो नॉलेज स्टोर हाउस के नाम से जाना गया है। मान लीजिए सीधा एग्जाम में यही सवाल आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज नोन एज नॉलेज स्टोर हाउस, ठीक है ना, नॉलेज स्टोर हाउस के नाम से निम्नलिखित में से किस वेद को जाना गया है? तो आप जवाब देंगे अथर्वेद। इस सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है अथर्वेद, ऑल्सो नोन एज नॉलेज स्टोर हाउस, ठीक है ना। अथर्वेद द प्रोड्यूसर ऑफ लाइफ एवरी डे, मतलब जो आपकी जी डेली जीने की जो चीज़ें हैं ना उनके बारे में इन सभी में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। द टेक्स्ट इज द फोर्थ वेद बट हैज़ द लेट एडिशन टू द वैदिक स्क्रिप्ट ऑफ हिंदुज्म। इट इज़ द लास्ट वेद दैट कंटेन्स, मतलब लास्ट वेद आपको मिलेगा, अथर्वेद जो है आपको लास्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा, इसे बाद में जोड़ा गया, इसे नॉलेज स्टोर हाउस के नाम से जाना जाएगा। इसका इसमें किसका संबंध है? बीमारियों से लड़ने के बारे में और बुराइयों से लड़ने के बारे में इसके इसमें बता रखा है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, चले आगे, नेक्स्ट है भाई। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मैंशन मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऋग्वेदा। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेदा में सबसे अधिक बार मिलता है? बहुत बेसिक सवाल है। चलिए, वो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका जिक्र सबसे ज़्यादा बार मिलेगा आपको किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। आप अच्छी तरह जानते होंगे गायत्री मंत्र का जिक्र मिलेगा, कौन से भगवान का जिक्र मिलेगा भाई ऋग्वेद में? इसके अलावा वो मिलेगा आपको जो चार भागों में बांटा गया था लोगों की कैटेगरी को, वो मिलेगा वैश्या, उस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, या एंशियंट हिस्ट्री अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा जीडी वाले एग्जाम के लिए, एमडीएस वाले एग्जाम के लिए, जो मैंने अपने बैच लॉन्च कर रखे हैं ना थ्योरी वाले, उसमें मैं आपको डील करवा दूंगा। वो डेट दे दी गई है, मतलब एक्सपेक्टेड डेट बता दी गई है जीडी के लिए, जनवरी 2022 में एग्ज़ाम बोला जा रहा है। जो जीडी का एग्ज़ाम होगा वो जनवरी 2022 में होने की आशंका जताई जा रही है, मतलब बोला गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। चलिए, किस नदी का जिक्र सबसे ज़्यादा बार किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मैंशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द ऋग्वेदा, क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा द मोस्ट ऑफ द रिवर वॉज सरस्वती, आप बोलेंगे मगर मैं क्या दूंगा जवाब का जवाब यहाँ पे। सर मैं देखिए, द मोस्ट प्योर रिवर वॉज सरस्वती एंड गंगा, मतलब जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो माना गया है किसे? सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो सरस्वती को माना गया है और गंगा को माना गया है। मैंशन वन टाइम एंड यमुना थ्री टाइम्स, ठीक है ना। सरस्वती और गंगा का जो जिक्र मिलेगा आपको वो एक एक बार मिलेगा मेरे हिसाब से, और यमुना का जो मिलेगा वो तीन बार मिलेगा, मगर सबसे ज़्यादा बार किस नदी का जिक्र आपको मिलेगा? सिंधु नदी का। सबसे ज़्यादा बार किस नदी का जिक्र आपको मिलेगा? सिंधु नदी का जिक्र मिलेगा। आपका कोई भी डाउट, आपका किसी भी प्रकार का डाउट, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है ना। अब बहती हुई मिलती कहाँ है आप जानते हैं भाई साहब, हरियाणा वाले क्षेत्र में एक बार देखा गया था कि बहती हुई ज़मीन के नीचे बहती हुई, मगर बहती हुई मिलती नहीं है, कहते हैं ज़मीन के अंदर आज भी सरस्वती नदी जो है वो जिंदा है, बह रही है। सवाल का जवाब सिंधु है। अगर बात करें सरस्वती और गंगा रिवर के बारे में, जो सबसे पवित्र नदियों के रूप में मानी गई हैं, उनका जिक्र एक बार मिलेगा और यमुना नदी का जिक्र आपको तीन बार मिलेगा, ठीक है ना। सरस्वती नदी का जिक्र एक बार मिलेगा, गंगा नदी का जिक्र एक बार मिलेगा, यमुना नदी का जिक्र आपको तीन बार मिलेगा, सबसे ज़्यादा जिक्र मिलेगा सिंधु नदी का। अगर आपका डाउट रहेगा प्रॉपर चेक करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप चेक करना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरा जवाब सिंधु नदी है, सिंधु रिवर है। क्लियर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, सतपथा ब्राह्मणा द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मणा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास। ध्यान से पढ़ना, भागा थोड़ी मत करना बिल्कुल भी, मतलब कई बार हमें लगता है ना लाइन लगी हुई है, लग रहा है लंगर बढ़िया बट रहा है, लंगर तो बेहतरीन बट रहा है यहाँ पे, बस शांति से प्राप्त करने की कोशिश करना। शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? ध्यान से पढ़िए सवाल और जवाब देने की कोशिश कीजिए। सामवेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से?
आज तक इस प्रकार से सवाल पूछा ही नहीं गया। उसने ये पूछा है सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे बड़ा वेद कौन सा है, किस में लिखा हुआ है बुराइयों से लड़ने के बारे में, किस में लिखा हुआ है योग के बारे में, ठीक है ना, किस में लिखा हुआ है काले जादू के बारे में, ये उसने ज़रूर पूछा है, मगर इस प्रकार से सवाल आज तक नहीं पूछा गया है, इसीलिए लेकर आया हूँ। 16वें नंबर का सवाल है, जवाब देकर बन जाइए महारथी। चलिए, यजुर्वेद, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया लोकेश कुमार जी आपने। सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा यहाँ पे यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही जवाब, ठीक है ना। द टाइटल शतपथा ब्राह्मणा मीन्स ब्राह्मण ऑफ 100 पार्ट्स, मतलब 100 पार्ट्स वाले ब्राह्मण, 100 दिशाओं में 100 दिशाओं को फॉलो करने वाले, 100 पार्ट्स पर चलने वाले ब्राह्मण्स की वो बात करेगा। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्राह्मण्स टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेदा दैट वॉज सर्वाइव, इट इंक्लूड्स सतल वर्टिबल इंसाइक्लोपीडिया, मतलब बहुत सारी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है, ध्यान रखना। अच्छा सवाल है, सवाल का जवाब है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही जवाब, बहुत बढ़िया जी, बहुत उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ स्मृतिज। अब भाई साहब वेदास के बाद क्या आ गया, स्मृतिज आ गई, स्मृतियों में सबसे पुरानी संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, बताइए भाई कौन सी स्मृति है जो सबसे पुरानी है और सबसे महत्वपूर्ण है। 17वें नंबर का सवाल है, 17th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन सी स्मृति है जो सबसे पुरानी है और सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है नारद स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति या फिर कात्यायनी स्मृति। क्या रहेगा सवाल का जवाब, मनु स्मृति इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रॉबेबली, मतलब जो स्मृति इसमें देखा जाएगा ना सबसे पुरानी कौन सी देखी जाएगी, सबसे पुरानी आपको इसमें मिल जाएगी मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब। ये बेसिक सवाल है, ये बेसिक सवाल है, चांसेस रहेंगे एग्जाम में पूछे जाने के लिए, UPSI के लिए भी इंपॉर्टेंट रख लेना इसको, ठीक है। सवाल बहुत अमेजिंग है, 100 ही बहुत है बस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच ब्राह्मणा डॉटर इज द सोर्स ऑफ द मिस्री बट द सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली। किस ब्राह्मणा के अनुसार पुत्र दुख का पुत्री दुख का स्रोत है लेकिन पुत्र परिवार का रक्षक है। चलिए भाई ऐसे कहाँ लिखा हुआ भैया, चलिए, अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणा डॉटर इज द सोर्स ऑफ द मिस्री बट द सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। किस ब्राह्मणा के अनुसार पुत्री दुख का स्रोत है लेकिन परिवार का लेकिन पुत्र परिवार का रक्षक है, उल्टा है वैसे आजकल तो आप समझ रहे होंगे आप, ठीक। क्या रहेगा इस सवाल का जवाब, अतर्या ब्राह्मणा, सद्विष्मा ब्राह्मणा, वंशा ब्राह्मणा या फिर शतपथा ब्राह्मणा। क्या रहेगा सवाल का जवाब, अच्छा सवाल है भाई, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा सवाल है, और भाई तुम मत घबराना डीके जी, ठीक है, तुम इसलिए घबराओगे तुम्हें लगेगा कि यार हमने इतना पढ़ लिया फिर ये कहाँ से सवाल निकाल रहा है, आप बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे एग्जाम में जो आपको नहीं आते होंगे, मगर यहाँ से अगर आप नोट डाउन कर लेंगे ना तो आ जाएंगे। सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अत्रेया ब्राह्मणा रहेगा या फिर अत्रेया ब्राह्मणा रहेगा, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 18वें क्वेश्चन का जवाब ए रहेगा। प्लीज़ जो ये 100 क्वेश्चन की PDF रहेगी ना, 50-50 दो में बांट दिया मैंने, इसको निकलवा लेना, इसको लगा लेना अपनी दीवारों पर, ये है एंशिएंट हिस्ट्री, एक बारी में ही टैकल हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। बर्थडे केक नहीं मिला सर मेरे को, लोकेश जी आप आइए किसी दिन, पधारो हमारे देश, आपको केक के साथ साथ पेस्ट्री भी खिलाएंगे। चलिए अगला सवाल है, एज पर द धर्म राष्ट्रास व्हाट डस परितुलोमा विवाह मीन। चलिए भाई पहले तो ये बताइए, ऐसा कौन है जिसने पहली बार सुना है, धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रतिलोम विवाह का क्या अर्थ है, मैरिज बिटवीन अपर कास्ट ब्राइड ग्रूम एंड लोअर कास्ट ब्राइड। उच्च जाति के दूल्हे और निचली जाति की दुल्हन के बीच विवाह, निचली जाति के दूल्हे और उच्च जाति के दुल्हन के बीच विवाह, इसके अलावा एक ही जाति के दूल्हे और दुल्हन के बीच विवाह या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए भाई जवाब दीजिए, ऐसा कौन है पहले तो ये बताइए जिसने पहली बार पढ़ाई है। द अतर्या ब्राह्मणा इज द ब्राह्मण ऑफ द शक्ला, ठीक है ना, शक्ला शाक्य से संबंधित रहेगा, ऋग्वेद में इसका जिक्र रहेगा, एन एंशियंट कलेक्शन ऑफ द स्केयर्ड ह्यूमंस। अकॉर्डिंग टू द अतर्या ब्राह्मणा डॉटर इज द सोर्स ऑफ मिस्री बट सन इज द प्रोटेक्टर, ठीक है। शक्ला शाखा में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये कहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, ऋग्वेद में, जो इससे पुराना सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एज पर द धर्मशास्त्रास व्हाट डज द पैरितलोमा विवाह मीन, ये जो पैरितलोमा विवाह रहेगा ना उसका क्या अर्थ है। सवाल यहाँ पर ये है, 19वें नंबर का क्वेश्चन है, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, और ये बताइए सवाल कैसा लगा। इस सवाल को अगर 2-3 ग्रुपों में पूछ लिया जाए ना तो 2-3 ग्रुपों के बच्चे
एग्जिट कर दें फटाफट फटाफट। कह रहे भाई साहब यहाँ से निकल लो, ये डरा रहे हैं हमें, कह रहे हम नहीं पढ़ेंगे अब इनसे। क्या रहेगा सवाल का जवाब? ऑप्शन नंबर बी, निचली जाति के दूल्हे और उच्च जाति की दुल्हन के बीच विवाह क्या कहलाएगा? कहलाएगा प्रतिलोमा विवाह। ध्यान रखना, प्रतिलोमा विवाह क्या कहलाएगा? प्रतिलोमा विवाह कहलाएगा। निचली जाति के दूल्हे और उच्च जाति के दुल्हन के बीच विवाह जो होगा वो कहलाएगा, ये अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र में ये बात लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, मैं मेरे घर से नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है ना, मैं मेरे घर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट महाजनपद। अब कुछ सवाल महाजनपद से संबंधित आपको मिलेंगे। मथुरा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? अश्मक, कोसला, पंचला या फिर शूरसेन। चलिए भाई, अश्मका, कोसला, पंचला या फिर शूरसेना, किसकी राजधानी थी महाजनपदों में, किसकी राजधानी थी ये? क्या रहेगा सवाल का जवाब? इट वॉज लोकेटेड ऑन द जंक्शन ऑफ उत्तरपर्ता और दक्षिणी पंता करके जगह रहेगी, वहाँ के जंक्शन पे आपको ये प्राप्त होगी। किसकी राजधानी थी ये? मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट जनपदा। मथुरा कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा अगर देखा जाए यूपी में? यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे ना, कहाँ के डिस्ट्रिक्ट बढ़ाए गए हैं हाल ही में? तीन जिले बढ़ाने की कहाँ की घोषणा की गई है हाल ही में? तीन डिस्ट्रिक्ट बढ़ाए गए हैं, कहाँ के बढ़ाए गए हैं जवाब दीजिए। और अगर 75 डिस्ट्रिक्ट के अनुसार देखें तो मथुरा कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, यूपी में? अगर इस प्रकार से सवाल पूछ लिया जाए रैंकिंग के अनुसार तो जवाब दे पाएंगे या नहीं? सवाल का जवाब रहेगा शूरसेन। जो शूरसेन महाजनपद रहेगा उसकी राजधानी क्या रहेगी? उसकी राजधानी रहेगी मथुरा। हाल ही में किस राज्य ने तीन जिले बढ़ाने की घोषणा की है? इसके अलावा एक सवाल और पूछना चाहूँगा, मथुरा कौन से नंबर का पड़ेगा? भाई यूपी का एग्ज़ाम है तुम्हारा, आगरा के पास है मथुरा, बहुत बढ़िया जी, सही जा रहे हैं। अगर मेरठ की पूछा जाए तो मेरठ कौन से नंबर का जिला है? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड प्रॉस्पेरियस ऑफ महाजनपद। निम्नलिखित में से कौन महाजनपद में सबसे प्रमुख और समृद्ध था? चलिए भाई, समृद्ध मतलब पैसे वाला, शक्तिशाली और सबसे प्रमुख, एक महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सी जनपद एक महत्वपूर्ण थी? चार जिले बढ़ाए हैं कर्नाटका ने, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड ने भी तो बढ़ाए हैं तीन जिले, इसमें से कौन सा जिला है जिसने बढ़ाया है? चलिए भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा सवाल का जवाब? बदल रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा मगर सवाल ऑटोमेटिकली बदलते जा रहे हैं। एक लेवल आपने देख लिया, दूसरा लेवल आपने देख लिया, आप तीसरे लेवल पे आप पहुंच गए हैं। ऑप्शन है मगधा, छेदी, मत्स्य या फिर अश्मगा। द मगध वॉज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड प्रॉस्पीरियस इन महाजनपद। द कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना बिहार के रूप में देखा जाएगा। मगध की राजधानी आपको क्या मिलेगी? पाटलिपुत्रा मिलेगी, ठीक है ना, जिसे आज पटना बिहार के रूप में देखा जाएगा। वॉज सिचुएटेड ऑन द विच रिवर, मतलब किस नदी के किनारे पर मिलेगी ये? तो आपको ये मिल जाएगी गंगा नदी के किनारे पर, सन नदी के किनारे पर, पुमपुन और गंधक नदी के किनारे पर, ठीक है ना। वॉज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ मेजर रिवर लाइक गंगा, सोन, गंधक और पुमपुन नदी के किनारे पर। इट इज़ द लोकेशन ऑफ द हाईवेज, मतलब बहुत सारे हाईवेज आज की डेट में आप यहाँ से निकलते हुए देखेंगे। सवाल का जवाब है मगधा, मगधा की राजधानी पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा, ठीक है जी। इसके अलावा पाटलिपुत्रा का अब जो नया नाम मौजूदा समय में पटना, पटना किसकी राजधानी है बिहार की, किस किस नदी के किनारे बनेगा, मैंने आपको बता दिया गंगा, सोन, पुमपुन और गंधक नदी के किनारे पर ये जो महाजनपद थी ये फल फूल रही थी, ध्यान रखना इस पॉइंट को भी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द महाजनपदस एंड इट्स कैपिटल करेक्टली मैच। बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी का संयोजन सही सुमेलित है? जो काशी है वो वाराणसी, मत्स्य, विराटनगर, कुरु, कौशाम्बी, कौसाम्बी, जवाब दीजिए भाई। एक ठीक है, दो ठीक है, तीन ठीक है या ऑप्शन नंबर डी ठीक है? कौन सा ऑप्शन ठीक है? छत्तीसगढ़ में तीन बड़े हैं, बहुत बढ़िया, याद रखना भाई, ठीक है। क्या रहेगा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगले सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल सही लग रहे हैं ना, मतलब तुम्हारे भाई साहब राज्य को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो, तो सवाल कैसे लग रहे हैं, बढ़िया, सवालों का लेवल कैसा लग रहा है? 22वें नंबर के सवाल पर पहुंच गए हैं, किसी को एक मिनट भी ऐसा लगा कि यार बेकार सवाल है? चलिए भाई दीजिए जवाब, क्या रहेगा सवाल का जवाब? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द महाजनपद एंड इट्स कैपिटल करेक्टली मैच। काशी, वाराणसी, विराटनगर, कुरु, कौशाम्बी।
क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बोथ वन एंड टू आप बोल रहे हैं, सही है, बहुत बढ़िया। अगर बात करें काशी की तो वाराणसी ही रहेगी, अगर बात करें कुरु की तो कुरु की कौशाम्बी नहीं रहेगी, मगर मत्स्य किसकी रहेगी? मत्स्य की क्या रहेगी? विराटनगर। मतलब पहला पॉइंट भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, कुरु की कौशाम्बी नहीं रहेगी, कुरु की क्या रहेगी? कुरु की रहेगी इंद्रप्रस्थ। अरे भाई साहब, कुरुवंश, कुरुवंश भूल गए क्या? कुरुवंश याद नहीं है? वो बोलते हैं इतनी बार कि कुरुवंशों का नाम और निशान मिटा दिया जाएगा पांडवों के द्वारा, पांडवों को सोचना चाहिए, तो वही कुरुवंश है ये कुरु। और कुरु कौन सा? कुरु की कौन सी मिलेगी? कुरु की मिल जाएगी इंद्रप्रस्था, इंद्रप्रस्थ या फिर इंद्रप्रस्था मिल जाएगी कुरु की। भाई साहब ये सवाल एग्जाम में आ जाए, गलत मत कराना, ठीक है? समझ आ गया बेसिक ढंग से? चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। ये तो बेसिक है भाई साहब, इसमें 15 सेकंड ही चाहिए पूरे, 15 भी नहीं चाहिए, जब तक आप तक सवाल पहुंचे तब तक आपको जवाब इसका दे के आगे बढ़ जाना है। चलिए ये जो सत्यमेव जयते है, हमारा एम्ब्लम जो रहेगा वो कहाँ से लिया गया? टेकन फ्रॉम भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कथ उपनिषेद, छंद योग उपनिषेद, अतरिया उपनिषेद या फिर मुंडक उपनिषेद? बहुत बेसिक सवाल है, सवाल का जवाब क्या है? मुंडक उपनिषेद रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर्स हु रिवाइव्ड जैनिज्म। निम्नलिखित में से कौन अंतिम 24 तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म को पुनर्जीवित किया? अरानाथ, महावीर, पारस्वतनाथ या फिर वसुपूज्य। चलिए भाई जवाब दीजिए। कुछ सवाल अब आपको ऐसे मिलेंगे जिनका सवाल संबंध होगा जैन धर्म से। महावीर वॉज द कौन से नंबर के मिलेंगे? 24वें नंबर के आपको मिल जाएंगे महावीर। महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर हु रिवाइव्ड जैनिज्म, मतलब जैन धर्म को दोबारा से जीवित करने के लिए किसे जाना जाएगा? तो महावीर को जाना जाए, महावीर जी को जाना जाएगा। इज यूजुअली डिपिशराइट एंड स्टैंडिंग मेडिटेट पॉस्चर, मतलब आपको ये जितने रूपों में नजर आएंगे ना, ये आपको मेडिटेशन के रूप में और खड़ी स्थिति में नजर आएंगे, खड़े हुए स्थिति में नजर आएंगे, विद द सिंबल ऑफ लॉयन बैनेथिन, मतलब शेर के सिंबल के साथ आपको ये नजर आएंगे। ध्यान रखना, सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल का जवाब महावीर है। अगर आपने महावीरा का चित्र देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो आपको एक चूलगिरी टेम्पल मिल जाएगा अपना जयपुर में। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मंदिर मिल जाएगा आपको भारत में जैन धर्म का, वो कहाँ मिलेगा जल्दी बताइए भाई? जैन धर्म से संबंधित जो आपको सबसे बड़ा मंदिर मिल जाएगा वो कहाँ मिलेगा? सबसे बड़ा जो मंदिर मिल जाएगा वो आपको कहाँ मिलेगा भारत में? और एक चीज़ आपको और बता दूँ मैं, 6 बजे आज शाम में कट ऑफ के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो, कि भाई साहब 6 बजे शाम को इसी चैनल पे कट ऑफ वाली वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उस वीडियो में मैं सीधा बताऊँगा कि किसके कितने चांसेस हैं, ठीक है ना? क्या 40 वाले के चांसेस सही मायने में हैं, या 50 वाला भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, या 60 वाले भी अपने आप को डामाडोल समझे अपना भविष्य, या फिर 45 वाले के भी चांसेस हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा CBT 2 के लिए। तो इसके लिए आज शाम 6 बजे वीडियो आएगी, ध्यान रखना भाई, ठीक। His birth is celebrated as महावीर जयंती, इनका जो जन्म है वो महावीर जयंती के रूप में मनाया जाएगा। निर्वाण लिया था इन्होंने, उसे ऑब्जर्व किया जाएगा जैन के रूप में, दिवाली बनाई जाएगी उस दिन, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर अटेंडेड कवल्या एट द एज ऑफ 42 ऑन द बैंक ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। महावीर ने 42 वर्ष की आयु में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर कवल्या प्राप्त किया था? कवल्या का अर्थ क्या रहेगा भाई, जल्दी बताइए। क्या वो बात कर रहा है सीधे से शब्दों में कि इस उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था? जवाब दीजिए। श्रवण बेलगाम कर्नाटका, सबसे बड़ा जैन का मंदिर कहाँ मिलेगा? श्रवण बेलगाम कर्नाटका में, पक्का? दिलवाड़ा मंदिर नहीं मिलेगा क्या जयपुर वाला, ये राजस्थान वाला दिलवाड़ा वाला मंदिर, दिलवाड़ा टेम्पल, ये तो कई बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए, श्रवण बेलगोला जो आप बता रहे हैं वो तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं होगा, जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का आखिरी पल काटे थे। अच्छा, ज्ञान बोल रहे हो, चलिए, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कवल्या का अर्थ क्या रहेगा? ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की आयु में। सवाल यहाँ पर यह है, किस नदी के किनारे पर हुई? रिजुपालिका, सादिनीरा, यमुना या फिर गंगास? भाई साहब ये सवाल वो हैं जो अच्छे अच्छे हो गए होश उड़ा दें एग्जाम में अगर आ जाएँ तो,
बच्चा पहले तो ये सोचे कि अटेम्प्ट करना है या फिर अभी पेपर दे के चला जाऊँ मैं कि मेरा हो गया है जी। नदी का नाम क्या रहेगा? रिज्जुपालिका नदी रहेगी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सवाल का सही जवाब रिज्जुपालिका रहेगी नदी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आएगा क्वेश्चन अगर आएगा तो, कि महावीर महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं उन्होंने किस उम्र में किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति करी, 42 वर्ष की आयु में किस नदी के किनारे प्राप्ति करी, तो रिज्जुपालिका नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। ध्यान रखना भाई साहब धुरंधरो 42 वर्ष की उम्र थी, ठीक है ना। मॉडर्न बिहार वाले क्षेत्र में पड़ेगा ये क्षेत्र जहाँ पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी, मतलब जो जगह थी। पेड़ कौन सा था? साल का ट्री आपको मिल जाएगा। कौन सा ट्री मिल जाएगा? साल का ट्री, ठीक है भाई। कौन सा ट्री मिल जाएगा? ट्री का नाम याद रखना, पेड़ का नाम साल का पेड़ मिल जाएगा, साल का ट्री मिल जाएगा, जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सन इन लॉ एंड द फर्स्ट डिस्पाइल ऑफ तीर्थंकर महावीर? निम्नलिखित में से कौन तीर्थंकर महावीर का दामाद और प्रथम शिष्य था? दो शिष्य मिलते हैं ना, तो बताइए भाई दामाद कौन था और प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, जयाश, धर्मनाथ या फिर विमलनाथ? चलिए जी, शाल का पेड़, बहुत बढ़िया जी, मैंने लिख दिया शाल का पेड़, तो शाल का पेड़ भी याद रखना। जो जैना चर्च बनाई गई थी ना उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था, इसे ध्यान रखना, ठीक है ना। जो जैना चर्च बनाई गई थी उसका इसे पहला अध्यक्ष बनाया गया था, जो भी इनका पहला शिष्य था। क्या रहेगा सवाल का जवाब? सवाल का जवाब रहेगा जमाली। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा जमाली। वॉज द फर्स्ट हेड, जिसे हम बोल देंगे, ऑफ द जैना चर्च। ध्यान रखना मगर इतने पूछे जाने के चांसेस कम है, वहाँ तक ही आएगा अगर आएगा एग्जाम में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। महावीर अटेंडेड निर्वाणा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? जो महावीर जी थे उनको निर्वाणा, निर्वाणा की हिंदी क्या रहेगी जल्दी से बताइए। क्या वो बात कर रहा है दुनिया को छोड़ के जाने की, ये बात कर रहा है? पाटलिपुत्रा, वैशाली, राजगिरा या फिर पवापुरी? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पवापुरी के बारे में वो बोल रहा है। जवाब दीजिए एक सेकेंड फटाफट से, एक सेकेंड बस दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए। क्या रहेगा सवाल का जवाब? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का जवाब? आप समझ ही रहे होंगे कि निर्वाणा का अर्थ क्या है, क्योंकि आपने गौतम बुद्ध जी के बारे में भी जरूर पढ़ा होगा। तो अगर आपने गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ा है तो इनके बारे में भी आप जानते होंगे। इनकी डेथ कब हुई थी? 72 वर्ष और 4.5 महीने के जब ये थे जब इनको निर्वाणा की प्राप्ति हुई। क्या रहेगा सवाल का जवाब? कौन सी वो जगह थी? वो जगह थी पावापुरी। कितनी उम्र थी? 72 साल, 72 ईयर्स और 4.5 महीने, 4.5 महीने भाई पूरा अगर पूछ जाए तो। ध्यान रखना मेरा फर्ज है तुम्हें पूरे ज्ञान की प्राप्ति कर दूं। और इसी दिन को वो किस रूप में मनाया जाता है? दीपावली के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। जन्म कुंडा ग्राम में और मृत्यु पावापुरी में, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। ध्यान रखना लास्ट डे ऑफ इंडिया, इंडियन एंड जैन कैलेंडर्स, दीपावली। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द पैटर्न ऑफ द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड इन द पाटलिपुत्रा? ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन पाटलिपुत्रा में आयोजित प्रथम जैन परिषद का संरक्षक था? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? मतलब किसके कार्यकाल में पहली जैन धर्म की बैठक हुई थी, वो ये बात कर रहा है, ठीक है ना। पैटर्न ऑफ द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड इन द पाटलिपुत्रा, कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी। जगह आप याद रखना पाटलिपुत्रा में हुई थी। वो कौन था उस समय? अजातशत्रु मिलेगा, अशोका मिलेगा, कनिष्क मिलेगा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य आपको नजर आएगा। क्या रहेगा सवाल का जवाब? 540 BC में जन्म हुआ, 468 BC में इनकी होगी मृत्यु। बहुत बढ़िया जी। फर्स्ट जैन काउंसिल कब करवाई जाएगी? 300 BC में करवाई जाएगी, ठीक है। फर्स्ट जैन काउंसिल कब करवाई जाएगी? फर्स्ट जैन काउंसिल करवाई जाएगी 300 BC में। कब करवाई जाएगी? 300 BC में करवाई जाएगी, 300 BC में करवाई जाएगी फर्स्ट जैन काउंसिल। कहाँ पर करवाई जाएगी? चेयरमैनशिप किसकी होगी? तो चेयरमैनशिप होगी स्थूल भद्रा की। किसकी चेयरमैनशिप में ये कार्य करवाया जाएगा? स्थूल भद्रा की चेयरमैनशिप में, मतलब उसकी देख रेख में, चेयरमैनशिप में ये वाला कार्य करवाया जाएगा। और उस समय कौन होगा? तो उस समय आपको बैठे हुए मिलेंगे चंद्रगुप्त
मौर्या, ठीक है ना। द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्रा, चेयरमैनशिप ऑफ स्थूलभद्रा, ईयर रहेगा 300 BC, एंड द पैटर्न ऑफ द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ए नहीं होगा, सवाल का जवाब डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। भाई साहब बुद्ध काउंसिल और जैन काउंसिल अलग अलग है, सवाल का जवाब चंद्रगुप्त मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल एंड देयर वेन्यू इज करेक्टली मैच। अब कुछ सवाल आपको मिलेंगे बुद्धिज्म से संबंधित। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध संगीत और उनके स्थलों का संयोजन सही सुमेलित है। चलिए भाई, कौन सा है जो बिल्कुल ठीक से मैच कर रखा है बुद्धिज्म के, अगर हम देखें तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, थर्ड हुई थी कश्मीर में, सेकंड हुई वैशाली में। कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है, क्या रहेगा सवाल का जवाब। चलिए, ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, या फिर बोथ 1 और 3 ठीक है, क्या रहेगा। 29वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल का जवाब आप बता रहे हैं बी ठीक है, केवल कश्मीर वाला आप बता रहे हैं ठीक है। ठीक है, सवाल का जवाब क्या है, तो सवाल का जवाब आप लेंगे सर केवल 3 ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है केवल, क्योंकि जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो तो हुई थी वैशाली में, जो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो वैशाली में ही हुई थी, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो करवाई गई थी राजगृह में, ठीक है ना। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ करवाई गई थी, राजगृह में करवाई गई थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। और अगर बात करें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई थी पाटलिपुत्रा में, कहाँ करवाई गई थी, पाटलिपुत्रा में करवाई गई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ध्यान रखिएगा, सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ आ गया, पॉइंट क्लियर हो गए। ओनली सी ठीक था, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो वैशाली में करवाई गई थी, वो वाली स्टेटमेंट ठीक थी, बाकी ऊपर वाली जो दोनों थी वो दोनों ही गलत थी। फर्स्ट करवाई गई थी राजगृह में, सेकंड करवाई गई थी थर्ड करवाई गई थी पाटलिपुत्रा में, सेकंड करवाई गई थी वैशाली में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट द निर्वाणा ऑफ द गौतम बुद्धा, निम्नलिखित में से प्रतीक गौतम बुद्धा के निर्वाणा का प्रतिनिधित्व करता है, आपको प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे, जब घर छोड़ा वो नजर आएगा, ज्ञान प्राप्ति हुई वो नजर आएगा, पहली बार ज्ञान दिया वो नजर आएगा, इसके अलावा जब दुनिया छोड़ के जाएंगे तो वो भी एक, उसके लिए भी एक सिंबल आपको नजर आएगा। तो सवाल वही है, हॉर्स व्हील स्तूपा या फिर बौद्ध ट्री, क्या रहेगा सवाल का जवाब, जवाब दीजिए भाई, क्या रहेगा सवाल का जवाब, हॉर्स व्हील स्तूपा बौद्ध ट्री। अच्छा, ऑप्शन चूज करने में दिक्कत हो गई थी, क्या रहेगा इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब रहेगा बौद्ध ट्री, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए, मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया था, मगर अब दूसरी क्लास में मैं आपको, जो दूसरी क्लास है ना आपकी रात 8 बजे वाली, उसमें इसके आगे के क्वेश्चन करा दूंगा, तो आप बेफिक्र रहिए। आपको हिस्ट्री से रिलेटेड ही मैं एक क्लास और दे दूंगा, एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित थी ठीक है ना, एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित ही मैं आपको एक क्लास और दे दूंगा कल सुबह 11 बजे या 12 बजे के करीब में, तो इस हिसाब से आपके पूरे हो जाएंगे 100 के 100 क्वेश्चन। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक मॉडर्न हिस्ट्री की भी, वैसे मैंने करवा दी है, अगर आप बोलेंगे तो एक मॉडर्न हिस्ट्री की भी क्लास करा देता हूँ 100 क्वेश्चनों की पूरी आपके एग्जाम से पहले, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएं उस हिसाब से। मेरा हिस्ट्री वाला सेक्शन हो जाएगा तुम्हारे लिए, पॉलिटी वाला सेक्शन हो जाएगा, एक स्टैटिक जीके की क्लास और करवानी है, वो कल 1 बजे करवा देता हूँ दोपहर को ठीक है। स्टैटिक जीके की 4 क्लास है, मतलब 60-60 क्वेश्चन है 4 क्लास में, 240 के आसपास क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, जो मुझे लग रहा है सही मायने में बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं निकाले, 240 क्वेश्चन निकाले हैं, 60-60 की कल करवा देता हूँ वाली क्लासें, 60 1 बजे, 60 8 बजे, इसके अलावा बीच में एक क्लास रख लेता हूँ 60 उसमें, और एक क्लास एप्लीकेशन पे 60 की करवा के 4 क्लास करा देता हूँ कल, 220 क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे इसके पूरे ठीक है। एक क्लास में बचे हुए हिस्ट्री के क्वेश्चन करा देता हूँ, अगर मॉडर्न वाली बोलोगे तो मॉडर्न वाली अलग से करवा देता हूँ ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स वाला प्लीज़ मेरे को एक बार और फिर बता देना, तो मैं इकोनॉमिक्स के भी निकाल लेता हूँ कुछ ना कुछ अच्छे बढ़िया बेहतरीन से क्वेश्चन ठीक है। चलिए, क्लास अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और जो बच्चा नया जुड़ा है चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और शाम 6 बजे आना मत भूलना।